और अब आपको दिखाते हैं ग्रेटर नोएडा की खबर, जहां पर किसानों का प्रदर्शन तेज होता जा रहा है। जिलाधिकारी कार्यालय पर किसानों का हल्ला बोल जारी है। बड़ी संख्या में प्रदर्शन में किसान शामिल हुए हैं। प्रशासन पर किसानों ने अत्याचार करने का आरोप लगाया है। एनपीसीएल और यूपीपीसीएल किसानों को अपना शिकार बना रहा है, ये कहना है किसानों का। यानी किसानों का आरोप है कि एनपीसीएल नोएडा पावर कंपनी लिमिटेड और यूपीपीसीएल यानी कि उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड किसानों को अपना शिकार बना रहा है। हाईटेक सिटी में किसानों का शोषण हो रहा है, यह कहना है प्रदर्शनकारी किसानों का। फर्जी मुकदमे हटाने की मांग की जा रही है किसानों की ओर से। अपनी मांगों को लेकर किसानों का यह प्रदर्शन ग्रेटर नोएडा में जारी है। 64% और 10% प्लॉट की मांग भी किसानों की ओर से हो रही है। अपनी मांगों का जो ज्ञापन है वो उन्होंने मुख्यमंत्री के नाम सौंप दिया है। जिलाधिकारी कार्यालय पर ये प्रदर्शन चल रहा है किसानों का। 64% और 10% प्लॉट की मांग इन किसानों की ओर से की जा रही है। साथ ही जो फर्जी मुकदमे उन पर दर्ज हैं, तथाकथित फर्जी मुकदमे जो कि प्रदर्शनकारी किसानों का कहना है, उन मुकदमों को हटाने की मांग भी किसानों की ओर से हो रही है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि प्रशासन जो है, पुलिस प्रशासन, वो भी कड़ी मशक्कत कर रहा है इन किसानों को काबू करने की। हालांकि यहाँ पर प्रदर्शन काफी उग्र है और नारेबाजी हो रही है। किसानों का कहना है कि हाईटेक सिटी होने के बावजूद यहां पर अन्नदाता किसान का शोषण हो रहा है, उन पर फर्जी मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। जैसा कि आप सभी को अवगत है, हमने पहले ही शासन प्रशासन को अवगत करा दिया था कि बस 7 तारीख को हम यहाँ पूरे जिले की मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन करेंगे। आज उन्हीं को लेकर हम जिला मुख्यालय, जो कलेक्ट्रेट है, जिलाधिकारी कार्यालय, यहाँ पर आए हैं, क्योंकि जो पूरे जिले में किसानों के साथ अत्याचार हो रहे हैं, मुख्यमंत्री आते हैं, राष्ट्रपति आते हैं, उपराष्ट्रपति आते हैं, लेकिन किसानों के साथ बाबरता करते हैं। उन्हीं को लेकर जो किसानों पर लाठीचार्ज हुई है, हमारे यहाँ जो किसानों की मांग है उनको लेकर 64% की जो मांग है, 10% प्लॉट की मांग है, एनपीसीएल यूपीसीएल जो मुकदमे फर्जी किसानों पर लगा रही है उसकी मांग है, उसको लेकर आज यहाँ आए हैं। और जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी हम यहाँ से जाने वाले नहीं हैं।